गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास थ्री के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी किताब से जो पिछले परसों मैंने पढ़ाया था एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को बता रहा हूं। आप आज इसके क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहां हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, देखिए पहला प्रश्न है। तो आप इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के छपरा जिले के, बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, एक हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन और व्यवहार कैसा था। राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन और व्यवहार कैसा था, तो यह इनका रहन सहन बहुत ही, पहला प्रश्न का उत्तर देख लिया। दूसरा प्रश्न का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन सादा और विचार बड़े ऊंचे थे। इस तरह से आप इसके प्रश्न उत्तर को, राजेंद्र प्रसाद पढ़ने में कैसे थे, तो वे बचपन से ही पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तीसरा हो गया। उसके बाद आज़ादी के लड़ाई में राजेंद्र बाबू का क्या योगदान है, तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एक दिशा प्रदान किया। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद अब इसमें तीन क्वेश्चन मैंने आज बता दिया, अब आप तीन क्वेश्चन को खुद से बना के देखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको खाली स्थान इसके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, तीसरा में है, वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य पूरा कीजिए मतलब खाली स्थान है, तो खाली स्थान में देखिए क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम क्या थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा, इन्होंने खाली जगह पढ़ाई की, इन्होंने पढ़ाई की, तो इन्होंने कौन चीज़ की पढ़ाई की थी, तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। इनके निर्देशन में देश का बना, खाली जगह है बीच में, देश का बना क्या बना, तो देश का संविधान बना, जिस संविधान पर हम लोग आज तक उसके नियम का पालन करते हैं। वे हर समय किसके हित के लिए कार्य करते रहे, तो वे हमेशा देश के हित के लिए कार्य करते रहे। उसके बाद है फिर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद का निधन आपके किताब में लिखे हुआ है 28 फरवरी 1963 को, यहाँ देखिए 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इस तरह से आपके दो प्रश्नोत्तर को मैंने बताया, प्रश्न लिखित प्रश्नों के उत्तर को एक नंबर दो नंबर में है, और दूसरा तीसरा प्रश्न है खाली जगह को भरे, इसको मैंने यहाँ से बता दिया। अब मैं फिर दूसरे दिन आपको दूसरा प्रश्न बताऊँ।